नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष शर्मा। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का सफर शानदार चल रहा था। बांग्लादेश और भारत के बीच में मैच चल रहा था। बांग्लादेश की सदी शुरुआत होती है पारी का नवा ओवर करने के लिए। आते हैं कुंगफू पांड्या यानी कि हार्दिक पांड्या। दो गेंद अच्छी निकल जाती है, दूसरी पे हालांकि चौका पड़ जाता है, फिर तीसरी पे भी चौका पड़ जाता है, लेकिन चौके के पड़ते के साथ ही जब तीसरी गेंद पे हार्दिक पांड्या गेंद करते हैं, बैट्समैन शॉट मारते हैं पैर के आगे से, मतलब ऑन ड्राइव करते हैं, पैर के आगे से जाती है, हार्दिक पांड्या पैर से रोकने की कोशिश करते हैं गेंद को, लेकिन वही पैर उनका इतनी तरह बुरी तरह मुड़ जाता है जिसके बाद वो लंगड़ा कर चलते हैं। उसके बाद फिजियो भी आते हैं, उनकी पूरी चेकअप होता है, उनको ठीक करने की कोशिश होती है। हार्दिक पांड्या भी दोबारा रनअप पे जाते हैं, दोबारा से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में असफल रहते हैं, उन्हें स्टेडियम यानी कि मैदान से बाहर जाना पड़ता है। ये संकेत अच्छे नहीं है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि हार्दिक पांड्या इस वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। न केवल बल्लेबाजी, फील्डिंग और गेंदबाजी में भी वो अपना अहम योगदान निभाते हैं। तो अब क्या हार्दिक पांड्या की इंजरी कैसी है, क्योंकि जब वो बाहर जा रहे थे तो वो दृश्य बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। फिजियो ने ट्राई किया उनको ठीक करने का, लेकिन वो जिस हिसाब से लंगड़ा रहे थे, आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं, बेहद डरावनी तस्वीरें। और खुद ये तस्वीरें देखने के बाद कप्तान रोहित शर्मा भी घबरा गए हैं, और न केवल रोहित शर्मा, टीम मैनेजमेंट, बल्कि पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान जो क्रिकेट को प्यार करता है, क्रिकेट टीम से ये इस बार उम्मीद कर रहा है कि वर्ल्ड कप जीतेगी। इस समय उनकी जो सांसें हैं वो काफ़ी तेज चल रही है, दिल काफ़ी तेज धड़क रहे हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या को अगर इंजरी होती है और वो कुछ मैचों के लिए भी बाहर होते हैं तो ये टीम इंडिया के लिए एक झटका नहीं होगा बल्कि एक सदमे वाली खबर होगी। क्योंकि हार्दिक पांड्या का खेलने का मतलब ये है कि वो आपको बैटिंग भी करके देंगे, बॉलिंग भी करके देंगे, फील्डिंग भी करके देंगे, और उनका जो अनुभव है वो भी काम आता है। अब हार्दिक पांड्या 3 बॉल बाद चले जाते हैं मैदान के बाहर, उसके बाद विराट कोहली गेंद कराते हैं, 3 गेंद पे वो 2 रन देते हैं, उनका ओवर खत्म हो जाता है, लेकिन हार्दिक पांड्या की इंजरी ने काफ़ी डरा दिया है। वहीं अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश ने तेज तर्रार शुरुआत करी इस मैच में। शुरुआत के 5 ओवर में केवल 10 रन बनाए थे, लेकिन जब 10 ओवर खत्म हुए तो उनका स्कोर 62 रन से ऊपर था। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अंत के 5 ओवर में 52 से ज्यादा रन आए हैं, 10 रन प्रति ओवर की गति से रन आए हैं। तो क्या भारत को अपनी जो ये कहते हैं ना कि शुरुआती गेंदबाजी है पावर प्ले की, सुधार नहीं होगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके अलावा हार्दिक पांड्या की इंजरी के बारे में आप क्या कहेंगे, और क्या हार्दिक पांड्या की इंजरी देखकर आपको भी डर लग रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वहीं अगर आपने अब तक न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।